और ये बिहार में और उत्तर प्रदेश में खुलेआम कहते हैं कि केंद्र सरकारें राज्य सरकारें हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने में या समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करने में विफल हो चुकी है। कभी खैरलान जी होता है, कभी जज्जर होता है, पूरे देश में कोई ना कोई कांड होता है। विफल हो चुकी है केंद्र सरकारें राज्य सरकारें। बीएमपी अगर सत्ता में आई तो एससी एसटी ओबीसी को बकायदा हथियारों का लाइसेंस देंगे, खुलेआम चैलेंज से हथियारों का लाइसेंस देंगे। आप सोचोगे अरे ये तो गैर कानूनी है, अरे कानूनी है भाई, संविधान में लाइसेंस लेने का प्रावधान है ना। अगर आपके पास 5-10 लाख रुपया लेते हैं ना, लाइसेंस नहीं लेते क्या? आत्मसुरक्षा के लिए लोग लेते हैं ना लाइसेंस, भारत सरकार देती है ना। हमारे लोगों के पास लेने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए बीएमपी ने रास्ता बनाया, हथियारों का लाइसेंस देंगे। संवैधानिक है, गैर कानूनी नहीं है। एडवोकेट साहब संवैधानिक है या असंवैधानिक है? आप चिंता मत करो, आप फंसने वाले नहीं हो, मैं हूं। दारवटकर साहब जैसा विद्वान आदमी कहता है कि ये तो देना ही चाहिए। नंबर दो, समान एजुकेशन होना चाहिए। कलेक्टर का बच्चा, आईएएस का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही क्लास में पढ़ना चाहिए, तब तुम आ जाओ मेरिट में, दिखाते तुम्हारी औकात। एक ही क्लास में पढ़ना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए, तब दिखाते ना मेरिट। तुम मेरिट की बात करते हो, तुम ब्राह्मणों के पास हजारों साल से शिक्षा का ठेका था, भारत की दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी भारत में नहीं है, कहां गया तुम्हारा मेरिट? कहां गया तुम्हारा मेरिट? 3.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कहां है तुम्हारा मेरिट? तुम क्षत्रिय कहते हो कि शस्त्र का अधिकार हमें है और हम सुरक्षा करते हैं, तो हर बार भारत गुलाम बना, कई बार गुलाम बना, कहां गया था तुम्हारा मेरिट? तुम कहते हो वैश्यों के पास व्यापार का बुद्धि है, अरे भारत के ऊपर 74 लाख करोड़ कर्जा हो गया, कहां गया तुम्हारा मेरिट? तुम हमें मेरिट सिखाओगे? ये आंकड़े सरकारी है, मेरे नहीं है, कहां है तुम्हारा मेरिट? तुम षड्यंत्र को मेरिट कहते हो, तुम धोखेबाजी को मेरिट कहते हो, तुम षड्यंत्र को मेरिट कहते हो। मेरिट है नहीं आपके पास। और बीएमपी जिस दिन सत्ता में आई, मंदिरों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, ये जो अरबों खरबों रुपये का कालाधन पड़ा हुआ है, ये ब्राह्मणों के बाप का पैसा नहीं है, हमारे पसीने की कमाई है। जब्त हो जाएगा, देश के विकास के लिए लगेगा। और भूमि आयोग बनेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान किया है, भूमि की मर्यादा तय होगी, अतिरिक्त भूमि जब्त हो जाएगी और भूमि विहीन लोगों में बांट दिया जाएगा। कानून तुम्हें ही बनाना आता है ऐसा नहीं है, कानून हमें भी आता है, अवसर आने दो। और इस देश में आधार कार्ड नहीं, बीपीएल कार्ड नहीं, अब तो डीएनए कार्ड लागू होगा। जिस दिन सत्ता में आएंगे डीएनए कार्ड लागू होगा। ये मैंने टीवी पर बोला, सामने आरएसएस के लोग थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा आप डीएनए की बात क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा भाई आरएसएस और आप लोग बीजेपी वाले कहते हो कि भारत बांग्लादेशी घुस जाते हैं विदेशी, पाकिस्तानी विदेशी घुस जाते हैं, ऐसा आप कहते हो, तो मैं कहता हूं कौन कौन विदेशी घुस गया, डीएनए कार्ड लागू करो। और डीएनए कार्ड देश की सुरक्षा के लिए है, कौन कौन विदेशी घुसा?
डीएनए कार्ड का विरोध करना देशद्रोही घोषित हो जाएगा। डीएनए कार्ड का जो विरोध करेगा देशद्रोही माना जाएगा। कि हम तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ना, कौन कौन विदेशी अंदर है। अब उनका हाल बिगड़ गया था और ऑफ द रिकॉर्ड टीवी के बारे में बोला, ऐसा करो ना सारे ब्राह्मण को भगा दो, देश से भगा दो। मैंने कहा मुझे जरूरत क्या है जब आप खुद ही जाने वाले हो। डीएनए कार्ड लागू होगा और हमें उनके ऊपर आर पार करने का कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान किया है विदेशियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। भारत के चुनाव में विदेशी नागरिक को वोट देने का अधिकार है क्या? नहीं है। केवल अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना। आप वोट देना चाहते हो, लाओ डीएनए कार्ड, लाओ डीएनए कार्ड। अगर आपका डीएनए विदेशी का हम क्या करें भाई, आपका डीएनए विदेशी का हम क्या कर सकते हैं? अरे वोट का अधिकार खारिज हो जाएगा, कैसे चुनाव लड़ोगे, कैसे गुलाम बनाते हम देखते हैं, हम भी देखते हैं। और तुम लोगों ने धर्म के नाम पर हमारे ओबीसी को बेवकूफ बनाया। गीता में तुम गीता का अर्थ, गीता महाभारत रामायण बताया, बेवकूफ बनाया। गीता में उन्होंने कहा क्या समझाते, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, क्यों व्यर्थ में रो रहे हो, परिवर्तन संसार का नियम है। यही बताते ना, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मैंने थोड़ा चेंज किया है, यूरेशिया से क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। क्यों व्यर्थ में रो रहे हो, अभी तो आर पार की लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है। तुम्हारे धर्मशास्त्र और तुम्हारी गीता कहती है परिवर्तन संसार का नियम है। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, काहे को डरते हो फिर? तुम्हारी गीता, तुम्हारा धर्मशास्त्र कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और हम परिवर्तन करना चाहते हैं, क्यों डर लगता है तुम्हें? तुम कहते हो शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मैं कहता हूं आत्मा अमर नहीं है, डीएनए अमर है। मरवा दिया तुम लोग, डीएनए अमर है भाई। उनका ही डीएनए उनको धोखा दिया, हम क्या कर सकते हैं? और इस देश में हम शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से क्रांति करना चाहते हैं। और अगर कुचलने की या दबाने की कोशिश की तो फिर तो भारत में रह नहीं पाओगे, यूरेशिया जा नहीं पाओगे। क्यों? आने वाले समय में पासपोर्ट वीजा तो हम ही से लेना है ना। आने वाले समय में पासपोर्ट और वीजा तो हम ही लोगों से लेना है, जाओगे किधर? अगर पासपोर्ट वीजा के बगैर जाओगे तो बॉर्डर पर जो मिलिट्री है उसमें भी 85% मूल निवासी है, रास्ते सारे बंद है, सारे के सारे रास्ते बंद है। और ये क्रांति निश्चित है, 3000 साल के बाद हम लोगों को अवसर मिला है आजाद होने का। याद रखो बाबा साहब अंबेडकर ब्राह्मणों को कहा करते थे, अंग्रेज बाबा साहब ब्राह्मणों को कहा करते थे, जिस तरह तुम्हें अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं है, हमें तुम्हारी गुलामी भी मंजूर नहीं है। तुम्हें अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं है, हमें तुम्हारी गुलामी भी मंजूर नहीं है।
हमें मालूम है अंग्रेज चले जाएंगे और तुम देश पर काबिज हो जाओगे, हमारी गुलामी परमानेंट हो जाएगी। हो गई ना परमानेंट गुलामी, परमानेंट हो गई ना। और उस गुलामी परमानेंट करने के लिए हमारे लोग दुश्मनों के खेमे में खड़े हैं। 2500 साल के बाद अवसर मिला है और इस अवसर को हम लोगों को गंवाना नहीं चाहिए। 6000 जातियों में जल्दी पोलराइजेशन करना चाहिए, ध्रुवीकरण करना चाहिए, बहुजन समाज बनाना चाहिए और